हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पिंटू कुमार। मैं आज आपके लिए बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ, वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ओके, क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या है, वो इसको कैसे यूज किया जाता है और इसे कितने टाइप्स होते हैं। ओके, और मैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारा फैक्ट मैं इस वीडियो में बताएंगे। पहले आप लोग सुनते आए होंगे सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या है, उसको कैसे यूज करते हैं, उसका क्या महत्व है, आज मैं इस वीडियो में क्या करेंगे जानेंगे। तो आज इस वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। ओके, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए आइए सबसे पहले जानेंगे सॉफ्टवेयर। चलिए सॉफ्टवेयर, तो सबसे पहले आज मैं बारी बारी से सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारा फैक्ट मैं क्या करूँगा कवर करूँ। पहले जान लेते हैं कि सॉफ्टवेयर का डिफिनीसन क्या होता है। ओके, सबसे पहले सॉफ्टवेयर के डिफिनीशन पे क्या करेंगे, बात करेंगे। तो ओके, आइए सबसे पहले मैं डिफिनीसन जान लेते हैं। चलिए देखिए सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम विदाउट सॉफ्टवेयर यू कैन नॉट वर्क इन प्रोग्राम। चलिए मैं सबसे पहले डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं। तो कह रहा है कि सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ ए प्रोग्राम, विदाउट सॉफ्टवेयर यू कैन नॉट वर्क इन प्रोग्राम। ओके, कह रहा है कि डिफिनीशन क्या कह रहा है, पहले मैं डिफिनीशन से बात करता हूँ। तो ये डिफिनीशन कह रहा है कि सॉफ्टवेयर है वो क्या है, एक प्रोग्राम का क्या है, ग्रुप है। क्या है? कलेक्शन मतलब समूह है। ओके, इस मतलब कि आपका जो सॉफ्टवेयर जो बना हुआ है बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम से मिलाकर कंबाइन कर क्या बनाया गया है, सॉफ्टवेयर बनाया गया है। तो बोले सॉफ्टवेयर आपका प्रोग्राम, प्रोसीजर, इंस्ट्रक्शन, ये सारा भी क्या है, एक हम इसको सॉफ्टवेयर ही नाम दिया सकते हैं। इसको भी मैं सॉफ्टवेयर का ही क्या करते हैं, नाम दे सकते हैं। ओके, तो जो प्रोग्राम है वो क्या, सेटअप इंस्ट्रक्शन का क्या है, ग्रुप है। जो आप बोलेंगे प्रोग्राम क्या है, अब बोलेगा कि प्रोग्राम क्या है, तो प्रोग्राम है वो क्या है, सेटअप इंस्ट्रक्शन है। क्या है प्रोग्राम, क्या है, सेटअप इंस्ट्रक्शन है। ओके, तो जो हमारा सॉफ्टवेयर जो बना है वो बहुत सारे छोटे छोटे क्या जी प्रोग्राम्स के कंबाइंड करने से क्या जी बनाया गया है। ओके, तो आइए मैं सबसे पहले जान लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। क्या जान लेते हैं, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पे क्या करेंगे, बात करेंगे, ताकि आपको पूरी सॉफ्टवेयर की टाइप्स के बारे में क्या हो, पूरी पता चले। ओके, तो चलिए आइए सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। मैं इसको इरेज कर लेता हूं। देखिए सॉफ्टवेयर जो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर और सेकेंड में है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं तीन प्रकार के, कितने प्रकार के, थ्री टाइप्स होते हैं। पहला होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकेंड होते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर, या इसी का हम बोल सकते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ओके, नेक्स्ट है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ओके, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था मुख्यतः दो तरह से क्या इसको हम यूज करते हैं, एक करते हैं जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और क्या होता है स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर। ओके,
देखिए कह रहा है जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो हमारा मुख्यतः दो टाइप्स के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा क्या होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर या उसी को लैंग्वेज ट्रांसलेटर बोल सकते हैं, और क्या है दूसरा तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो मुख्यतः कितने दो प्रकार का, जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर और क्या एप्लीकेशन पर्पज सॉफ्टवेयर होते हैं। तो आइए मैं सारी सारी टॉपिक को क्या करेंगे आपको मैं लिख लिख के टोटल टॉपिक को क्या करेंगे बात करेंगे। तो मैं इस ग्राफ में बता दिया ताकि आपको कहीं दिक्कत ना, कहीं आगे आपको तोड़ तोड़ के बताएंगे तो आपको समझ में आया कि आप किस टाइप्स का सॉफ्टवेयर आप बता रहे हैं, इसलिए मैं इसको ग्राफ के द्वारा एक टोटल टाइप्स को मैं बता दिया ताकि आपको इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप बाद में इसको आप देख सकते हो। ओके, क्योंकि मैं बाद में इसको इरेज कर दूंगा, इरेज करने के बाद आपको लिख लिख के टाइप्स बाय टाइप्स क्या करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मैं इसको अब इरेज करता हूं और आगे बारी बारी क्या करता हूं बताता हूं। चलिए तो पहला बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। चलिए तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है और इसका कंप्यूटर में क्या यूज होता है। ओके, तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर का बहुत महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है क्योंकि इसी के सहारे हमारा कंप्यूटर क्या होता है ऑन होता है। एक कंप्यूटर को ऑन करने में क्या करता है ये मदद करता है, कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर ही कंप्यूटर को ऑन होने में क्या करता है वो मदद करता है। और जो सारा इनपुट या आउटपुट डिवाइस होता है यही सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है वो मैनेज करता है कि कैसे वो वर्क करना है, किससे क्या वर्क करना है। ओके, ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या होता है काम होता है। ओके, तो इसके सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम थ्री टाइप्स में क्या करें बांटे, कितने बांटे थ्री टाइप्स में बांटे हैं। ओके, तो जो पहला है क्या है, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम, अब जाने का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ओके, ये हमारा कंप्यूटर का प्राण, इसको कह सकते हैं कंप्यूटर क्या है जी प्राण कह सकते हैं। जैसे मैं किसी चीज़ में प्राण डालता हूँ तो वो जिंदा हो जाता है, उसी तरह हमारा कंप्यूटर में इसका डालने से हमारा कंप्यूटर में क्या कुछ जान आ जाता है। ओके, मैं उसके अलावा बाद में उससे क्या करता हूँ वो रनिंग हो जाता है, उसमें इनर्जी आता है, उसमें क्या करता है बर कर सकते हैं। ओके, तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो उसको ऑन होने पर मेन मेमोरी में इंस्टॉल होता है। क्या होता है मेन मेमोरी में इसका क्या होता है लोड लेता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन करते हैं तो क्या करता है ये मेन मेमोरी में क्या लेता है ये लोड लेता है। ओके, तो आज कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो तरह तरह के क्या जी वर्जन में आज आए हुए हैं। ओके, आज हर एक तरह का क्या जी वर्जन में इसका अवेलेबल है। ओके, तो जो पहले होते थे वो क्या होते थे डॉस कमांड होते थे, आज क्या होता है जी है ना ग्राफिक कमांड होते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्या करेंगे बात करेंगे और बारह सारी बताएंगे कौन सा क्या होता है कमांड बेस्ड थे और कौन सा क्या होता है जी यू आई बेस्ड थे, मतलब कि ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। ओके, तो चलिए मैं पहले बात करते हैं वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो चलिए मैं एग्जांपल लगा रहा हूं विंडो एक्सपी, विंडो 98, विंडो वेस्टा, मैक, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 8.1, विंडो 10। ओके, ये हमारा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है ये वर्जन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है वर्जन है। ये सब सारे आप देख रहे होंगे ये क्या होते हैं एक कमांड बेस होते हैं, क्या होते हैं कमांड बेस होते हैं। बोले कमांड बेस क्या होते हैं, तो कोई भी आप फाइल या फोल्डर को बनाते थे तो उसका आइकन आज की तरह आज डेस्कटॉप पे देखते हो क्या होते हैं कि डेस्कटॉप पे उसका आइकन क्या होता है इंडिकेट होता है, उसका आइकन को क्या करते हैं डायरेक्टली क्या वहां पर जाकर क्या क्लिक करके हम क्या करते हैं ऑन कर सकते हैं। बट पहले वैसा नहीं होता था, पहले क्या होता कमांड बेस होते किसी भी चीज को क्रिएट करने के लिए उसका कमांड को आपको याद रखना पड़ता था, उसका कमांड का यूज करना पड़ता था। ओके, डॉस मोड था, क्या था जी उसको हम डॉस मोड कह सकते हैं। ओके, तो आज का जो है वो क्या है जी यू आई है, मतलब कि
ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, मतलब कि आज आप इसका इंस्टॉल, आप इसका इस ऑपरेटिंग सिस्टम का आप मुख्यतः क्या करते हैं, आप लोग यूज करते हैं। ओके, तो मैं एक रूम बताना चाहता हूँ कि भी सीखने के लिए, अगर सीखने के उद्देश्य से अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं, मतलब कि आप यूज कर रहे हैं, तो आपको विंडोज 7 आपको बेहतरीन रहेगा, क्योंकि आपको विंडोज 7 सीखने में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। ओके, क्योंकि मैं खुद इसका विंडोज 7 का ज़्यादा यूज करता हूँ, क्योंकि इसमें जो वे सीखने का वे है, जो इसे बहुत सा क्या है, इजी वे है, मतलब इसका सीखने का चलाने का वे बहुत बेटर है। ओके, और अदर ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, पहला बात कर दिया ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, क्या कर दिया है वो बात कर लिए, पहले क्या कर दिया ऑपरेटिंग सिस्टम के, क्या कर दिए ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बता दिया और उसके वर्जन के बारे में बता दिया। ओके, तो आगे हम बात करते हैं सेकेंड नंबर, किसका, सिस्टम सॉफ्टवेयर का सेकेंड टाइप्स के बारे में क्या करेंगे, हम बात करेंगे। ओके, तो चलिए आइए सेकेंड टाइप्स के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। तो चलिए सेकेंड टाइप्स हमारा है लैंग्वेज प्रोसेसर, या इसी के बोल सकते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। मतलब एक क्या है ट्रांसलेटर, क्या आप ट्रांसलेशन तो पढ़े होंगे उम्मीद है, वो क्या करता है आप जानते होंगे ट्रांसलेशन क्या यूज करते हैं, लैंग्वेज को क्या करने के लिए, चेंज करने के लिए करते हैं, क्या करते हैं लैंग्वेज के, वो हिंदी से क्या करते हैं इंग्लिश, इंग्लिश से क्या करते हैं हिंदी करते हैं। ओके, लैंग्वेज क्या करने के लिए, चेंज करने के लिए, ये भी हमारा क्या है लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, क्या है ट्रांसलेटर है। ओके, आइए मैं इसका एक पहले सबसे पहले एक उदाहरण देकर आप समझाते हैं। ओके, क्या उदाहरण क्या है, देखिए जैसे आप किसी दोस्तों के साथ किसी पार्टी करना चाह रहे हैं, ओके, तो आपको कुछ पैसे क्या है जरूरत पड़ता है। ओके, तो क्या करते हैं आप, पैसे किसी पास होते हैं घर में, आप लोग सभी जानते हैं। ओके, पैसा मांगना चाहते हैं, पर आप डायरेक्टली आप अपने पापा से नहीं मांग पा रहे हैं, तो क्या करते हैं अपनी मम्मी को बोलते हैं कि मम्मी कुछ पैसे की जरूरत है मुझे, पापा से क्या करो मंगा दो। ओके, तो क्या करते हैं वो मम्मी पापा के पास जाते हैं, वो क्या करते हैं वो मम्मी पापा के पास जाते हैं और क्या करते हैं वो पैसे क्या करते हैं मांगते हैं, और वो क्या आपको लाकर क्या करते हैं देते हैं। तो यहाँ पापा और आपके बीच में जो आए वो ही हमारा क्या है लैंग्वेज ट्रांसलेटर सकते हैं, मतलब कि हम दोनों को समझाने वहां से यहां तक पैसा लाने में जो मदद हमारी किए वो हमारा क्या है लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। आइए मैं उसी बेस पर क्या लैंग्वेज ट्रांसलेशन क्या करते हैं बेस पे क्या करते हैं बताते हैं। तो जो हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है, आज देखते हैं कंप्यूटर में विभिन्न तरह का क्या करते हैं प्रोग्रामिंग का यूज करता है, पर आप लोग सभी जानते हैं कि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी नंबर को ही समझता है, क्या समझता है वो 0 और 1 को ही समझता है, और अदर वो लैंग्वेज को नहीं समझता है। तो बोले कि सर अदर वो अदर लैंग्वेज को समझता नहीं है तो इतना प्रोग्रामिंग वगैरह वर्क क्यों कैसे कर लेता है, इतना हाई क्वालिटी की प्रोग्रामिंग वगैरह कैसे वर्क करता है, कैसे वो हम वो समझ पाता है। तो जो उसके लिए समझाने का, जो उसका लैंग्वेज को समझाने के लिए यूज करता है उसी को तुम्हारा लैंग्वेज ट्रांसलेशन कहते हैं, उसी सॉफ्टवेयर को तो क्या कहते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहते हैं, जो क्या करता है कंप्यूटर को क्या करता है समझाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो या कोई भी लैंग्वेज, क्योंकि वो तो सिर्फ बाइनरी को समझता है ना, तो जिस सॉफ्टवेयर के माध्यम से वो समझ रहा है उसी को हम लैंग्वेज ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं जो का, और जो हमको तक भी समझाने क्या करता है वो काम करता है। ओके, उम्मीद है कि आप लोग क्या करें समझ गए होंगे, एग्जांपल बेस से क्या करें आप समझ गए होंगे। ओके, चलिए तीसरा हमारा है, जो हमारा तीसरा है वो क्या है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आप बोलेगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो चलिए सबसे पहले मैं एग्जांपल के बेस से समझाता हूं। अगर भाई देखिए किसी कारण पर आपको फीवर लग गया, क्या हो गया फीवर हो गया, तो जो फीवर के होने के दौरान आप जो मेडिसिन का यूज करते हैं, वो जो मेडिसिन का यूज करते हैं जो आपके फीवर को क्या करता है ठीक कर देता है, वही मेडिसिन हमारे लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। आप कैसे कहिए, चलिए आते हैं मेन पॉइंट पे। जो हमारा कंप्यूटर जब यूज करते हैं तो आप कंप्यूटर को देखते होंगे कभी कभी हमारा कंप्यूटर हैंग करता है, कंप्यूटर कभी
क्रॉप्ट कर जाता है, फाइल कभी बढ़ जाता है, कभी क्या करता है घट जाता है, कभी अपने बंद हो जाता है, मतलब शॉट डाउन हो जाता है, कभी रीस्टार्ट हो जाता है, मतलब कि नाना प्रकार के प्रॉब्लम उसमें क्रिएट होने लगते हैं। मैं फाइल बना कर गया, कल इस फाइल को ओपन करता हूँ, कुछ खुलता नहीं है। मतलब ऐसे ऐसे प्रॉब्लमों को जो ठीक करता है, उस प्रॉब्लम को दूर करता है, वही से क्या कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे हमारा एंटीवायरस हो गया, डिस्क क्लीनर हो गया, ये सब हमारे लिए क्या है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, जो क्या करता है कंप्यूटर को क्या जी स्मूथली वर्क करने में क्या करता है वो कोऑपरेट करता है। जो भी प्रॉब्लम रहते हैं वो क्या करते हैं कंप्लीट करता है। तो हम लोग जानते हैं सभी कि ये सब प्रॉब्लम किसे कंप्यूटर वायरस के कारण आता है। ओके, किसके कारण? कंप्यूटर वायरस के कारण। तो टेंशन नहीं लीजिए, मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में कंप्यूटर वायरस ही लेकर आ रहा हूँ, उसमें मैं सारा चीज बता दूंगा कि कंप्यूटर वायरस क्या है, वो कैसे वर्क करता है, वो कंप्यूटर कैसे एंट्री मारता है और कैसे वो भगाया जाता है। मैं सारी बात को क्या करेंगे बताएंगे। तो आज मैं इतना जान लेते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर सही तरह से वर्क नहीं कर पाता, तो उसको स्मूथली वर्क करने के लिए हमारा जिस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं वही हमारा सॉफ्टवेयर क्या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाता है, जिसको एंटीवायरस हो गया, डिस्क क्लीनर, ये सब क्या करता है उसको इंस्टॉल करते हैं और क्या करते हैं मैं सारा प्रॉब्लम क्या करता है दूर करते हैं। जैसे हमारा फीवर हुआ, मेडिसिन खाया, हमारा सारा प्रॉब्लम क्या खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट पर बात करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या हो गया, तीनों टाइप की क्या करती है बात कर लिए। ओके, तो चलिए मैं अगले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर क्या करेंगे बात करेंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। सेकेंड नंबर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? ओके, आप लोग सॉफ्टवेयर अभी सब एप्लीकेशन आप मोबाइल यूज करते ओ इसका करना ए ऐप को क्या करो इंस्टॉल कर लो, फलाना ऐप को क्या करो इंस्टॉल कर लो, है ना, नाना प्रकार के एप्लीकेशन क्या करते इंस्टॉल करते हैं। तो वो एप्लीकेशन क्या है, वो ऐप क्या है, है ना। बहुत लोग लैंग्वेज में क्या कहते हैं शॉर्ट, आज जाते कि दुनिया क्या हो गया बहुत शॉर्ट हो गया, आप लोग तो खुद जानते होंगे कि क्या ऐसा शॉर्ट हो गया, आदमी से लेकर सबका स्वभाव से लेकर सबका हार्ट से लेकर सब छोटा हो गया। चलिए कोई बात नहीं, हम आगे बात करते हैं। तो जो हमारा ऐप जिसको आपके नाम से चलती भाषा में ऐप बोलते हैं, बोसी का होता है स्टैंडर्ड रूप क्या होता है एप्लीकेशन होता है, क्या होता है एप्लीकेशन। तो जो ऐप बोलते हैं वही क्या हो गया एप्लीकेशन हो गया। तो जो सॉफ्टवेयर आप मोबाइल में यूज करते हैं वो भी क्या एक तरह से सॉफ्टवेयर है, क्या है जी जो भी सॉफ्टवेयर क्या करते हैं आप लोग हर कंप्यूटर में नाना प्रकार के वर्क करने के लिए नाना प्रकार सॉफ्टवेयर क्या करते हैं आप यूज करते हैं। ओके, तो चलिए मैं सॉफ्टवेयर पर क्या करेंगे बात करेंगे। इसका इंस्टॉलेशन क्या होता है ना यूजर के रिक्वायरमेंट पे होता है ना, कि कैसा सॉफ्टवेयर किसको चाहिए कैसा इंस्टॉल करेगा उस पर रिक्वायरमेंट पे, है ना, यूजर के रिक्वायरमेंट पर क्या करता है डिपेंड करता है। ओके, तो चलिए सबसे पहले मान जान लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थोड़ा सा टाइप्स के बारे में। तो जो इसका यूज करता है उसका पहला दो तरह से होते हैं, पहला क्या होते हैं जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। ओके, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर क्या होता है जिसका हम लोग क्या सभी वर्गों के लिए, है ना, कॉमनली वर्गों के जनरल वर्ग के लिए क्या करते हैं यूज करते हैं। जैसे कोई भी हम कंप्यूटर वर्क कर रहे हैं, मुझे ऑफिस नहीं है, हमें वर्ड नहीं है, एक्सेल नहीं है, पावर पॉइंट नहीं है, फोटोशॉप नहीं है ना, ये सब सारा सॉफ्टवेयर क्या हो गया हम लोग क्या करते हैं ये सब यूज करते हैं। ग्राफिक्स तो नहीं है हमारे पास, वेब डिजाइनिंग नहीं, मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं। ओके, तो मैं जनरल और कॉमन के लिए क्या करते हैं यूज करते हैं। तो चलिए आइए, सबका पैकेज अलग अलग है, सबका कटोरी अलग अलग बांटा गया है सॉफ्टवेयर का भी। क्या अगर आप बोलते हैं यहाँ पे आदमी, आप दुनिया में देख रहे इतना आदमी, अगर दुनिया में सबका नहीं अगर कटोरी में बांटा जाता तो क्या करता पता नहीं चलता, अगर डिस्ट्रिक्ट नहीं बढ़ा जाता, स्टेट नहीं बढ़ा जाता, सबको एक ही मिलाकर रखा जाता तो कुछ समझ ही नहीं आता। जैसे आप नौकरी भी को करते हैं, सर्विस भी करते हैं, तो आप देख देंगे सभी सर्विस का क्या होता है अलग अलग क्या होता है पोस्टिंग होते हैं, है ना, क्यों, ताकि उस पोस्ट से क्या नाम जाना जा सकता है। इसी प्रकार का सॉफ्टवेयर को भी अलग अलग क्या जी
ग्रुप में रखा गया है ताकि उसका ग्रुप से नाम से कोई है वर्ड प्रोसेसिंग है, कोई स्प्रेडशीट है, तो कोई डीटीपी है, तो कोई एमडीएस है, तो कोई क्या है ग्राफिक्स है, मतलब क्या हर तरह के अलग अलग क्या जी कैटेगरी में रखा गया है। तो चलिए आइए सारा बारी बारी क्या करेंगे हम बात करेंगे। ओके तो चलिए सबसे पहले जानते हैं वर्ड प्रोसेसिंग। जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं वो कौन सा होते हैं जी? एमएस वर्ड होते हैं। कौन सा होते हैं जी? एमएस वर्ड। एमएस वर्ड है वो किसका कौन सा पैकेज के अंदर आता है जी? एमएस ऑफिस। मैं बता देता हूं एमएस ऑफिस के अंतर्गत आता। अब बोलेगा कि एमएस ऑफिस का कैसे हम यूज करते हैं? तो जो एमएस ऑफिस में आप कंप्यूटर में क्या करते हैं जब आप इंस्टॉल करते हैं तो उसी में आपको सारा क्या ये वर्ड आपको मिलेगा। ओके ये क्या वर्ड आपको क्या गया ऑफिस जब इंस्टॉल कीजिए कंप्यूटर में तो आपको जब कंप्यूटर में सर्च बॉक्स में इसको आप सर्च कीजिएगा एमएस वर्ड के नाम से आएगा या रन कमांड से विन वर्ड भी लिख सकते हैं वहां भी आपको ये कंप्यूटर में क्या होगा ओपन हो जाएगा। ओके तो चलिए नेक्स्ट हमारा बात करते हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ओके आप नाम सुनने से कुछ पता चल रहा है कौन सा है जी? एमएस एक्सेल। ई भी किसका पार्ट है जी? ई भी से एमएस ऑफिस का ही है। क्या है जी? एमएस ऑफिस का ही पार्ट है। बोलेगा एमएस क्या लिख रहे हैं? एक एमएमएस तो फिल्म है मूवीज है वो बोल रहे हैं क्या? वो नहीं है एमएस है मतलब माइक्रोसॉफ्ट। क्या है जी? माइक्रोसॉफ्ट। जो जी ऑफिस को जिस कंपनी ने डेवलप किया है वो क्या है एमएस ऑफिस कॉर्पोरेशन होता है। ओके चलिए ये हो गया हमारा नेक्स्ट है एमएस पावर पॉइंट। ये भी किसका बाल बच्चा है जी? एमएस ऑफिस का ही बाल बच्चा। ओके मतलब आप कह सकते हैं कि जब ऑफिस को इंस्टॉल कर लीजिएगा तो सारा चीज आपको क्या हो जी मिल जाएगा। आप बोलेंगे सर वर्ड को अलग से एक्सेल को अलग से पावर पॉइंट को अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं है। जब आप ऑफिस को इंस्टॉल कर लीजिए आपका सारा चीज मिल जाएगा। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर आपके गाँव में किसी का कुछ फंक्शन है तो आपको घर में क्या इनविटेशन आया आपको पापा को बोले वो कि आपके पूरी फैमिली को मेरे इनविटेशन है आप पूरी फैमिली मेरे यहाँ क्या करिए भोजन करने के लिए आइएगा तो क्या आप पूछेगा कि पापा मुझे भी इनविटेशन है मेरा भी इनविटेशन है? वैसा तो नहीं पूछेगा क्योंकि आप बोल दे क्या पूरा फैमिली मतलब ऑल फैमिली को बोल दिया गया मतलब कि आप फैमिली के अंतर्गत क्या टोटल आप भी आ रहे हैं। उसी तरह आप एमएस ऑफिस को इंस्टॉल कर लिए तो सारा आपको पावर पॉइंट एमएसएस एक्सेल वर्ड सारा क्या मिल सकता और भी है पर मैं जिस यूज बता रहा हूँ उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ। ओके समझिए ना। चलिए तो देख रहे हैं कि एमएस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का कौन आता है जी? एमएस वर्ड आ रहा है जी। स्पीच सॉफ्टवेयर कौन सा जी? एमएस एक्सेल है जी। पावर सॉरी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन जी? एमएस पावर पॉइंट है। ओके चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं नेक्स्ट है डीबीएमएस मतलब इसको कह सकते हैं शॉर्ट में डेटा वेयर मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। इसमें जो आते हैं वो कौन सा आते हैं? ओरेकल आते हैं और क्या होते हैं एमएस एसएस आते हैं। जो एमएस एसएस है वो भी किसका है जी? एमएस ऑफिस का ही क्या है जी? सुपुत्र है मतलब बाल बच्चा है क्या है जी? सुपुत्र है। ओके चलिए ये जो डेटाबेस है वो इसके अंतर्गत ओरेकल और क्या जी एमएस एसएस आते हैं। एमएस किसका है जी?
रेटोरिकल, आप इसका बोलिएगा इसका यूज क्या करते हैं। तो इसका यूज मैं बहुत सा कामों के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। आपको अगर यहाँ से बता दिए देंगे है ना, तो आपको ज़्यादा बेहतरीन समझ में नहीं आएगा। जैसे आपको इसका फॉर्म बनाने के लिए, एडमिट कार्ड बनाने के लिए है ना, अगर अगर बहुत सारा क्या इसका यूज करते हैं। तो मैं आपको जब लैब में दूंगा, जब आपका ये सब को बारी बारी से वीडियो बनाएंगे, तो आपको सारा पता चल जाएगा है ना कि MHSS का क्या यूज है, कैसे इसका यूज हम करते हैं। ओके, तो चलिए अभी सिर्फ इसके बारे में क्या करते हैं, जान लेते हैं कि ये सॉफ्टवेयर को, अभी सिर्फ हम सॉफ्टवेयर के बारे में ही जानेंगे, आगे जाने की कि सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करते हैं और इसे क्या-क्या यूज है। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा है DTP, जनरल रूप होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है, जो इसके अंतर्गत आते हैं वो कौन आते हैं, जो इसके अंतर्गत आता है एडोब व्यू एक्सप्रेस है ना। चलिए, जो DTP के अंदर आते हैं उसका स्टैंडर्ड क्या होता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है। क्या होता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है। इसके अंदर कौन है, एडोब इनडिजाइन ओके और क्यूरक एक्सप्रेस, ये सब आपका इस सॉफ्टवेयर को आप देख रहे हैं वो किस किस कैटेगरी में क्या करें, वो उसको किस कैटेगरी के नाम से क्या कहता है जाना जाता है। ओके, सभी सॉफ्टवेयर का क्या ग्रुप में रखा गया है, नाम से जाना गया है। जैसे आप इसका गांव होते हैं, ओ आपका गांव यहां पढ़ते हैं जी, ओ ऐसा इस पंचायत में है जी, ओ ऐसा इस वार्ड में पढ़ते हैं जी, मतलब क्या, क्यों, क्योंकि उसको वहां तक पहुंचने में क्या होता है आपको आसानी होता है। मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था डेटा इंफॉर्मेशन बताए थे, उसमें मैं बताए थे कि जब तक पूरी तरह से इंफॉर्मेशन पूरी तरह से हमको सही रिजल्ट नहीं मिल जाता है तो हमारा वहां तक पहुंचना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। मैं पिछले वीडियो में डेटा इंफॉर्मेशन बताए थे, अगर आप नहीं देखे वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, आप वहां से आप जाकर देख सकते हैं, मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर आप देख सकते हैं। ओके, चलिए तो ये सब देख रहे हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कौन सा ओरेकल आते हैं, MSSS आते हैं, DTP में कौन आते हैं, एडोब इनडिजाइनिंग आते हैं, और क्या आते हैं, क्यूरक एक्सप्रेस आते हैं। नेक्स्ट हमारा है ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, तो ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं, आप बहुत सुने होंगे फोटोशॉप, क्या सुने होंगे जी, फोटोशॉप, और क्या सुने हैं जी, कोरेल ड्रो, आप ये सब के नाम तो सुने होंगे, जरूर सुने होंगे, क्योंकि आप स्टूडियो में गए होंगे फोटो को क्या खिंचवाने के लिए। ओके, आप तो फोटो के बारे में कौन जानते हैं, सभी जानते हैं स्टाइलिश फोटो चाहिए, ऐसा वाल तो ऐसा है, फलाना नहीं बता गया, फोटो सब क्या करते हैं खिंचाते हैं। तो आप फोटोशॉप के बारे में बाकी नहीं होंगे, फोटोशॉप के बारे में कुछ कुछ ना कुछ आप लोग जानते ही होंगे, शायद आप लोग पूरी जानते होंगे है ना, पूरे जानते होंगे। चलिए, तो मैं ये सब जो आते हैं आपसे अगर पूछ दिया जाए कि बाबू जी बताइए कि जब फोटोशॉप होते हो किस सॉफ्टवेयर कैटेगरी में आते हैं जी, तो कौन सा जी, ग्राफिक सॉफ्टवेयर, तो ग्राफिक सॉफ्टवेयर के नाम से क्या कहता है जाना जाता है, कोरल ड्रा है जी, ये भी ग्राफिक सॉफ्टवेयर के नाम के कैटेगरी में क्या कहते हैं आते हैं, ग्राफिक सॉफ्टवेयर के नाम से क्या कहते हैं जाने जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर क्या है, एडोब फ्लैश, जो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर होता है, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिससे हम गाना सुनते हैं जी, क्या सुनते हैं, गाना, कंप्यूटर पर हम गाना यूज करते हैं जी, तो किसे करते हैं, हम इसी के सहारे करते हैं, एडोब फ्लैश के सहारे क्या करते हैं, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर कौन सा है जी, एडोब फ्लैश है, कौन सा है जी, एडोब फ्लैश है, क्या है, एडोब फ्लैश है। ओके, ये आप लोग अब बारी बारी से आप लोग क्या करिए कि कौन सा सॉफ्टवेयर किसका यूज आते हैं। ओके, चलिए अब सेकेंड बात करते हैं स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर पे क्या करते हैं, क्या करते हैं, जनरल पर्पज से जान लिए, और सेकेंड नंबर क्या जानेंगे जी, जो सेकेंड नंबर है स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर क्या है, स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर, ये क्या होते हैं, इस सॉफ्टवेयर के लोग है ना, इसका बड़े बड़े क्या जी कंपनीज है ना, बड़े बड़े कंपनीज, बैंक्स, स्टेशंस
है ना, क्या करते हैं ये सब का क्या करते हैं, हम यूज करते हैं, क्या करते हैं सभी लोग क्या करते हैं इसका यूज करते हैं, कहाँ, बड़े बड़े कंपनी में, बड़े बड़े ऑफिस में, बड़े बड़े बैंकों में, स्टेशनों में इस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। क्या आपको लगता है कि बैंक में आपको यूज करने के लिए फोटोशॉप यूज करते हैं, ओके, बर्ड का यूज करते हैं, ये लोग छोटे मोटे वर्क के लिए यूज किया जाता है, स्पेशल वर्क के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, होते हैं, और सभी का अपना अपना क्या होता है सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। जैसे अकाउंटिंग का जो कोई काम करता होगा, जैसे बड़े बड़े कंपनी हैं, बड़े बड़े ऑफिस हैं, ये सब जहाँ क्या है कोई सामान को परचेज होता है, सेल होता है, ओके, वो सब में क्या होता है अकाउंटिंग वाले वर्क होते हैं, तो वहाँ अपने अकाउंटिंग वाले क्या करता है सॉफ्टवेयर रखता है ना, टैली कहते हैं, क्या कहते हैं टैली कहते हैं, है ना। तो चलिए सबका क्या सॉफ्टवेयर का अलग अलग क्या है इस्तेमाल है, कभी कोई जनरल पर्पज़ के लिए तो कोई स्पेशल पर्पज़ के लिए क्या करते हैं हम यूज करते हैं, ओके। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, अगर इस वीडियो हमको कहीं भी प्रॉब्लम है किसी टॉपिक प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए, ओके। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को क्या कीजिए लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो आपकी मर्जी तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।